हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खाना अच्छा राजमा। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ा बहुत सामान अपने तैयार कर लिया, बाकी हम सुबह को सामान लेके भी आए हैं, उसकी मैं वीडियो आपको दिखा नहीं पाया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगा दोबारा दिखाऊंगा आपको यहाँ की, मतलब कि मॉल एलडी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो वो भी दिखाऊंगा आपको जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊंगा। और फिलहाल हम थोड़ा बहुत मसाले का सामान जो भी है, तड़के का सामान बहुत तैयार कर लिया। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने कर रखे मसाले का सामान तैयार, तड़के ठीक का, है, और ये थोड़ी सी मिर्चें। दिखी नहीं है। हाँ थिकी नहीं है बिल्कुल भी, थिकी नहीं है ये जो मिर्चें, थिकी नहीं है। बाकी इनकी साइज ही पता लग जाता है, अपनी इंडिया में भी ऐसी मिर्चें हैं बट थिकी नहीं होती, अचार में ज़्यादा काम आती हैं। बाकी और मैंने अभी छीलने हैं आलू, ये अपने इसमें तेल डाल रखे हमने, अभी इसमें तड़केंगे आलू वगैरह छील के, फिर मिलते हैं आपको। बाकी अपनी ये है राजमा, जो तो भी बनाएंगे हम, पैकिंग में आई है, पैकिंग में आती है, तो मिलते हैं आपको अब थोड़ी देर में। तड़का इसमें प्याज पा चुके हैं और धनिया और जमैन, थोड़ी देर जमैन में तो बोलते हैं अपना जीरा, जीरा डालते हैं, जमैन नहीं है, तड़का जीरे का लगता है। तो गाइस ये अपने भाई साहब जी काट रहे हैं आलू। ठीक है, छोटे छोटे पीस, मतलब ज़्यादा छोटे भी नहीं है, मीडियम से पीस, जैसे अपना घर पे इंडिया में काटते हैं। ठीक है, तो अब इसको डालते हैं थोड़ी देर में सब्जी में। ये अपना प्याज भुने जा रहे हैं अभी, सारा कुछ इसमें डल चुका है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। पकने के बाद फिर ये सारा, उसके बाद अब धीरे धीरे हम इसमें डालेंगे मसाले जो वहाँ पड़े हैं। ठीक है, गर्म मसाला हो गया, हल्दी, नमक मिर्च, सब कुछ। कर दिया हमने इसको मिक्स सारे मसालों को। अब सारे मसालों का पेस्ट बना के, अदरक लहसुन पानी डाल के, तीन सबको मिला के, चारों पांच मसालों को, हल्दी, नून, मिर्च और गरम मसाला, सब कुछ देसी स्टाइल, इस लाइक का देसी स्टाइल, अपने हरियाणा का स्टाइल। इसमें कैसे
उसको तो बढ़िया आ रही है, बट वीडियो वीडियो वालों को नहीं पता लगनी ना। ये भाई हम लोग खाना बना रहे हैं देसी स्टाइल में, जैसे हमारी दादी परदादी जगह भी थी, हमारे बड़ी बुजुर्ग औरतें चूल्हे में जैसे बनाती थी, वो वाला टेस्ट आपको मिलेगा। आप शायद दूर हैं पर हमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोगों को वीडियो पता लगने का, वीडियो में आप कलर से देख के देख सकते हैं कलर कैसा है, अभी तड़का तैयार हो रहा है तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमें हम अभी से हमारा मन कर रहा है जल्दी से बन जाए हम फिर खाना खाएं, तो अभी इसको रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मसाला कच्चा है तो ये थोड़ी देर में पक जाएगा। जैसे ही पकेगा, पकने के बाद इसमें हम आलू डाल देंगे, थोड़ी देर में इसके अंदर राजमा की हम सब्जी बना रहे हैं, तो राजमा डाल के तरी वाली राजमा वो बना रहे हैं, तो जैसे ही तड़का तैयार होता है उसके अंदर हम आलू छोड़ देंगे, उसके बाद इसके अंदर हम राजमा का जो एक पैकेट है वो डाल देंगे। तो देखिए कलर, देखिए तड़के का कैसा अच्छा कलर है, कलर देख के तो मुंह में पानी आ रहा है और उसकी खुशबू से भी, क्योंकि हमको सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है हमको बहुत जोर के इन दोनों भाइयों को। तो भाई मसालों वाले हेलो तो इसको कर लेते हैं थोड़ा मिक्स, ताकि जो सारा मसाला आलू में रम जाए। फिर डाल दिए हैं राजमा, तो थोड़ा इसमें डाल देते हैं पानी, फिर इसको कर देंगे हम थोड़ी देर के लिए बंद। तो कई हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दी, ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इसको, थोड़े इसमें पक जाएगा, फिर इसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे थोड़ा पकने के बाद, तो मिलते हैं हम सीधा बाद में ही। तो कई सब्जी जो थोड़ी उबल चुकी है, अब इसको थोड़ा चेक करते हैं। खुशबू तो बहुत बढ़िया आई है, बहुत ही बढ़िया। इसको उतारते ही रखने को, ये मैंने भुना हुआ अभी आटा, मैंने थोड़ी सी चटनी निकाल ली थी, मतलब जो मसाला हमने तैयार किया था उसको तड़क के ये आटा भुना हुआ अभी हम दोनों के लिए, बाकी शाम को बनेंगे अपना भून लेंगे। बाकी ये सब्जी और इसको बोलने दे देते हैं, आलू मेरे ख्याल में अभी थोड़े कच्चे रह रखे होंगे, कोई नहीं चेक कर लेते हैं इनको भी। आलू अभी थोड़े कच्चे हैं, फूट नहीं रहे हैं।
थोड़ा सा इनको और पकने देते हैं। थोड़ा सा और पकने दे देते हैं इसको, फूल ले आँच पे। तो गाइस सब्जी बनके हो चुकी है तैयार, ठीक है, और तवा रख दिया है हमने, ठीक है। अब बनाएंगे रोटी, फिर उसको खाएंगे। तो गाइस खाना खुना खा के, ठीक है, अब तो मैं आ चुका अपने रूम में और थोड़ा सा करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद फिर देखते हैं अगर मूड किया तो बीच पे जाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी घुमा के लाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगर पीछे जाऊंगा तो आपको जोर दिखाऊंगा। थोड़ा सा कर लेते हैं अब रेस्ट, तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।